तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, बिहार सरकार की तरफ से लेटेस्ट अपडेट यहां पर जारी किया जा रहा है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों के लिए आम सूचना। सूचना क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न वितरण POS यंत्र के माध्यम से यानी कि बायोमेट्रिक आप देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेशन के आधार किया जा रहा है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिना आधार संख्या वाले लाभुकों को आधार संकलक यानी आधार सेंडिंग हेतु भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 2022 तक अवधि विस्तार किया गया है। अब यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या है कि ये सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी, क्योंकि बायोमेट्रिक है और बायोमेट्रिक के लिए आपका अंगूठा लगता है जो कि आपकी जो फिंगर होती है उनका जो प्रिंट होता है वो आधार कार्ड से अटैच होता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभुकों से अनुरोध है कि अपना आधार संकलन आधार सेंडिंग दिनांक 30 सितंबर 2022 तक अवश्य पूर्ण करें और किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर अधिष्ठापित POS यंत्र के माध्यम से यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो जो ये सुविधा कराई जा रही है बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपको करना क्या है, कोई भी जन वितरण प्रणाली हो, जो भी जन वितरण प्रणाली हो, दुकान हो आपके पंचायत में, आपके ग्राम में, वहाँ पर आप जाएंगे POS यंत्र के माध्यम से यह सुविधा आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका राशन कार्ड निःशुल्क में यहाँ पर लिंक कर दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।